स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ का पहला चैप्टर श्रम विभाजन अनुजाति पर था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, श्रम विभाजन अनुजाति पर था के लेखक कौन है? ए में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी में महात्मा गांधी और डी में संपूर्णानंद दास। इसका सही जवाब होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ए में रामदेव सकपाल, बी में रामजी सकपाल, सी में रामकिशन सकपाल, डी में राधे राम सकपाल। इसका सही जवाब होगा रामजी सकपाल, यानी कि बी आंसर। आगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता किसे आवश्यक मानता है? ए में श्रम विभाजन, बी में धन विभाजन, सी में जन विभाजन और डी में जाति विभाजन। इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन, ए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ए में प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी। इसका सही जवाब होगा पत्रिका, मूक नायक एक पत्रिका है। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए में 1956 ईस्वी दिल्ली में, बी में 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, सी 1958 ईस्वी वाराणसी में और डी 1959 ईस्वी बिहार में। इसका सही जवाब होगा 1956 ईस्वी दिल्ली में। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। इसका सही जवाब होगा डी, 14 अप्रैल 1891 को। आठवां क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, डी में पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही जवाब होगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला सवाल है नौवां, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए में भीमराव अम्बेडकर की, बी में ज्योतिबा फुले की, सी में राम गोपालाचार्य की, डी में महात्मा गांधी की। इसका सही जवाब होगा ए, भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है? ए जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबम, दूध पानी। इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए में इटली, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में न्यूयॉर्क और डी में दक्षिण कोरिया। का सही जवाब हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति पार्टी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा सी, 1936 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, शास्त्रकार है। इसका सही जवाब होगा सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर सुदराज और डी में डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक, कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, डियर मैकनीज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्रराज। इसका सही जवाब होगा सी। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललन सिंह यादव, किशोर लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ललन सिंह यादव। आगे क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, कायस्थ परिवार में। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया? ए में जातिवाद में, बी में नारीवाद में, सी में निर्विवाद में और डी में परिवारवाद में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही जवाब होगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। क्या सही जवाब हो जाएगा सी, जाति प्रथा को।